प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सभी बोर्डों के लगभग डेढ़ सीट आ चुकी है। 16 फरवरी से यूपी बोर्ड की भी परीक्षा प्रारंभ हो रही है और 27 फरवरी को मैथ्स का पेपर है इंटर का। तो उसी क्रम में आज एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका एक पार्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर चर्चा करने वाले हैं। इस पर हर साल पूछे जाते हैं क्वेश्चन, क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, किस तरीके से इसका सोल्यूशन ज्ञात करते हैं, तो आज हम लोग इस पर चर्चा करने वाले हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर द फंक्शन था एक्स वनली आर कॉन्स्टेंट, यानी कि यहाँ पी और क्यू या तो यक्स का फलन होना चाहिए या तो कॉन्स्टेंट होना चाहिए। अगर इस रूप में है कोई डिफरेंशियल इक्वेशन डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो समझ लीजिए वो लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ देखिए ये वाई का कोफिशियंट पी और ये क्यू या तो यक्स का फलन हो या तो कॉन्स्टेंट हो। अगर इस तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको बोलेंगे लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि इस तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो किस प्रकार उसका सोल्यूशन ज्ञात करते हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, इसको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, हमारे ख्याल से डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन यही है। तो इसका जो है किस तरीके से सोल्यूशन ज्ञात करते हैं ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको कुछ चीजें इसके पहले सीखनी पड़ेंगी। एक तो आपको डी डी एक्स ऑफ ई की पावर पी डी एक्स, इसका आपको सीखना पड़ेगा, पी ई की पावर पी डी एक्स होता है। ध्यान दीजिए कि एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसमें बनता है ई की पावर पी डी एक्स, इसका डी डी एक्स होता है पी ई की पावर पी डी एक्स। अब ध्यान दीजिए क्यों होता है, मान लेते हैं पी डी एक्स का जो इंटीग्रल आर है, पी डी एक्स अगर इंटीग्रल आर है तो जाहिर सी बात है इसका डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ आर जो होगा वो होगा पी, क्योंकि आप जानते हो इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। अगर पी डी एक्स आर है तो डी डी एक्स ऑफ आर पी होगा। अब मुद्दा बनता है कि अगर आपको इसका मान निकालना है डी डी एक्स ऑफ ई की पावर पी डी एक्स, तो इसको आपने क्या माना, आर डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर आर, अब इसको t मानेंगे तो e की पावर r d dx ऑफ r, r का मतलब p dx और d dx ऑफ r का मतलब p, कुल मिलाकर हो गया p इंटू e की पावर p dx। d dx ऑफ e की पावर p dx इस तरीके से अगर इंटीग्रल ऑफ p dx, तो p बाहर आ जाता है, क्यों आ जाता है उसके रीजन मैंने बताया कि पी डी एक्स अगर आर है डी डी एक्स ऑफ आर पी होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर पी का इंटीग्रल आर है तो आर का जो डेरिवेटिव होगा वो पी होगा। डी डी एक्स ऑफ ई की पावर पी डी एक्स है, इसको मैंने क्या माना है आर, और ई की पावर आर का एक्स के रेस्पेक्ट जो डेरिवेटिव होगा ई की पावर आर डी डी एक्स ऑफ आर होगा, और ई की पावर आर का मतलब, आर का मतलब पी डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, उसके बाद इधर जो है इंटू पी, पी इंटू ई की पावर पी डी एक्स। जब इसका सोल्यूशन ज्ञात करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, ई की पावर पी डी एक्स का गुणा कर देंगे। ई की पावर पी डी एक्स का गुणा करने से क्या होता है देखते हैं हम लोग, पी वाई ई की पावर पी डी एक्स बराबर क्यू इंटू ई की पावर पी डी एक्स। बच्चों ए जो होगा, ए मान होगा डी डी एक्स ऑफ y इंटू ई की पावर पी डी एक्स, और एक क्यू इंटू ई की पावर, इसको गुणा करने से यही फायदा होगा कि गुणा करने के बाद a इसके बराबर हो जाएगा। चाहे इसको चेक कर सकते हो आप, देखिए डी डी एक्स ऑफ y इंटू ई की पावर पी डी एक्स अगर इसका निकालना हो मान तो क्या करेंगे, पहला फंक्शन y e की पावर डी डी एक्स ऑफ e की पावर पी डी एक्स प्लस दूसरा फंक्शन ई की पावर पी डी एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई। अभी मैंने इसका निकलवाया, इसका डेरिवेटिव अभी निकलवाया, क्या वाई इंटू पी ई की पावर पी डी एक्स
प्लस ई की पावर पी डी एक्स और डी डी एक्स ऑफ ये जो मान है डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू ई की पावर पी डी एक्स के बारे में देखो यही चीज तो यहाँ है। देखो पी वाई ई की पावर पी डी एक्स प्लस ई की पावर पी डी एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई, इसको हम लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू ई की पावर पी डी एक्स, ठीक, इसीलिए इसको इसके बराबर। देखिए फिर से देखिए, जब इसका गुणा कर देंगे तो यही चीज आ जाएगी और इसको हम इसे लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा क्या, y इंटू ई की पावर पी डी एक्स और q इंटू ई की पावर पी डी एक्स डी एक्स इंटीग्रल ले लेंगे तो इसका हो जाएगा y इंटू ई की पावर पी डी एक्स इतना, और इसी e की पावर पी डी एक्स जो आपने मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ इसी को इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं, इसलिए y इंटू आई एफ बराबर होता है q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। इसकी मदद से आप सवाल इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। पहला क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे 2f dx ऑफ y प्लस y इज इक्वल टू 6x की 2x का डिवाइड कर देंगे dx ऑफ y प्लस 1 अपॉन 2x y, यहां 6x क्यूब में 2x का डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा dx ऑफ y प्लस 1 अपॉन 2x y और 3x स्क्वायर। अब एक देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई बराबर क्यू, यहाँ पी भी एक्स का फलन है क्यू भी एक्स का फलन है, देखिए यही पहचान है इसकी, डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, यहाँ पी किसका फंक्शन है एक्स का और क्यू भी एक्स का, या तो कॉन्स्टेंट हो या तो एक्स का फंक्शन हो, ये हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका कंपेयर करेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई बराबर क्यू से इसका कंपेयर करेंगे, पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन 2x और q की वैल्यू आ गई 3x स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे आई एफ निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इसको होता है फार्मूला आपको पढ़ चुके हो e की पावर p dx, p की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 2x dx, e की पावर 1 बाई 2 1 अपॉन x dx, 1 अपॉन x का मतलब log x बेसी, e की पावर लॉग रूट एक्स लिख सकते हो या एक्स की पावर वन बाई टू, और आप सबको पता है कि e की पावर लॉग एक्स बेसी अगर है तो एक्स के बराबर होता है। इसका रीजन क्या है, अगर e की पावर लॉग एक्स बेसी को एक्स क्यों लिखते हैं, आप देखिए इसी को मान लीजिए कुछ लॉग एक्स बेसी को वाई मान लीजिए, मान लीजिए तो इसको हम लिख सकते हैं ई टू दी पावर वाई इक्वल टू एक्स, लॉग एक्स बेसी को y मानेंगे तो e टू दी पावर वाई एक्स, और y की वैल्यू है क्या लॉग एक्स बेसी, इसीलिए e की पावर लॉग एक्स बेसी की वैल्यू x के बराबर होती है, तो यहां e की पावर लॉग रूट एक्स बेसी है तो इसका मान हो जाएगा रूट एक्स। सबसे पहला काम क्या है, पहले देखो डी डी एक्स ऑफ y प्लस पी वाई बराबर क्यू, पी भी x का फंक्शन है q का, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम कंपेयर करेंगे p की वैल्यू 1 अपॉन 2x q दोनों x का फलन है, अब आई एफ निकालेंगे e की पावर p dx, p की वैल्यू 1 अपॉन 2x, 1 अपॉन 2 1 अपॉन x, 1 अपॉन x का log x बेसी, 1 बाई 2 पावर हो जाएगा log रूट x, और e की पावर log x बेसी का मान x तो रूट x हो गया आई एफ। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में y इंटू आई एफ इज इक्वल टू q इंटू आई एफ dx प्लस सी, यही प्रूव कराए थे, तो y इंटू वाई मतलब y इंटू रूट एक्स, क्यू क्यू मतलब 3x स्क्वायर इंटू रूट एक्स डी एक्स प्लस सी, वाई इंटू रूट एक्स यहां देखिए 3x स्क्वायर है, यहां x की पावर 1 बाई 2 हो गया तो हो जाएगा 3x की पावर 5 बाई 2 हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा x की पावर 7 बाई 2 बाई 7 बाई 2 तो हो जाएगा 6 बाई 7 x की पावर 7 बाई 2 प्लस c, ये y रूट x की वैल्यू है बच्चों, y रूट x की, हमको y का मान अगर निकालना है तो रूट x का डिवाइड कर दें तो 6 बाई 7 x की पावर 7 बाई 2 अपान x की पावर 1 बाई 2 c अपान x की पावर 1 बाई 2
सेवन बाई टू में वन बाई टू गया, सिक्स बाई टू यानी एक्स क्यू प्लस सी एक्स की पावर माइनस वन बाई टू, जहां सी क्या है, एक आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है, स्वेच्छ अचर है। इस प्रकार हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हल ज्ञात कर लेंगे। क्वेश्चन है, यहां देखिए इसमें खूबी क्या रहेगी, देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई है तो वाई की पावर वन है, इसमें देखिए वाई की पावर और वन माइनस एक्स स्क्वायर का जब डिवाइड करोगे, देखिए अपने आप उस रूप में आ जाएगा, देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, इस रूप में आ गए। अब इसका कंपेयर करेंगे किससे, डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई बराबर क्यू, पी की वैल्यू क्या आई माइनस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर और क्यू की वैल्यू आई एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। पी की वैल्यू मिल गई, क्यू की, और दोनों एक्स के फलन होने चाहिए या तो कॉन्स्टेंट होने चाहिए, पी मिल गया। अब आई एफ निकालेंगे, आई एफ ई की पावर पी डी एक्स, पी की वैल्यू रखी ई की पावर माइनस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब वन माइनस एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे बच्चों, वन माइनस एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे तो माइनस टू एक्स डी एक्स हो जाएगा डी टी, तो माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा डी टी बाई टू। इस तरीके से देखिए इसको चाहे अलग से कर लीजिए, वन एक्स माइनस एक्स बटे वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, वन माइनस एक्स स्क्वायर को मानेंगे टी, माइनस टू एक्स डी एक्स हो जाएगा डी टी, तो माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा डी टी बाई टू, तो हो जाएगा डी टी बाई टू अपॉन टी, ये तो होगा तो वन बाई टू डी टी अपॉन टी लॉग टी, लॉग टी हो जाएगा। इसका मतलब इसका हो जाएगा e की पावर वन बाई टू लॉग t का मतलब वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं e की पावर लॉग अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और अभी मैंने बताया e की पावर लॉग x बेस c का मतलब x, x का काम कौन कर रहा है अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने निकाल दिया। बच्चों इसके बाद क्या होगा, y इंटू आई एफ Q into IF, इसका प्रूफ कर चुके हो आप, dx plus c, तो y into IF मतलब अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, q का मान क्या है x अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर dx plus c, ये हो गया y अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगी x अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर नीचे वन माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहां क्या करेंगे वन माइनस एक्स स्क्वायर को यू मानेंगे, तो क्या हो जाएगी एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी यू बाई टू, क्योंकि वन माइनस एक्स स्क्वायर को अगर यू मानोगे तो माइनस टू एक्स डी एक्स हो जाएगा डी यू, तो एक्स डी एक्स हो जाएगा माइनस डी यू बाई टू, तो एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा माइनस डी यू बाई टू अपॉन रूट यू, तो माइनस वन बाई टू यू की पावर माइनस वन बाई टू डी यू, तो वन यू की पावर वन बाई टू अपॉन वन बाई टू, वन बाई टू वन बाई टू माइनस रूट यू, यानी कि आएगा इसका मान माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक वाई अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई का मान जब निकालेंगे तो होगा माइनस वन, क्योंकि डिवाइड करेंगे C अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, जहां C क्या है एक आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है यानी स्वेच्छ अचर है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, देखिए ये डायरेक्ट दिख रहा है डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, देखिए y की पावर वन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू क्या आएगी cot x और q की वैल्यू आएगी cos x, ठीक, क्योंकि कंपेयर किससे करेंगे आप डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से कंपेयर करेंगे, पी और क्यू हो जाएगा, फिर तुरंत निकालेंगे आई एफ, आई एफ होगा ई की पावर पी डी एक्स, पी की वैल्यू ई की पावर कॉट एक्स डी एक्स, कॉट एक्स का बच्चों क्या होता है लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स, और सब जानते हो ई की पावर लॉग एक्स बेस ई एक्स हो जाएगा यानी साइन एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया साइन एक्स। अब आपका फार्मूला क्या होता वाई इंटू वाई एफ Q into IF dx plus C. Y into IF, IF मतलब sin x, Q
क्यू, क्यू का मतलब कॉस एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। अब देखिए कॉस एक्स साइन एक्स को कई तरीके से कर सकते हो। साइन एक्स को टी मान लीजिए, साइन एक्स कॉस एक्स का हमने पहले भी किया होगा, साइन एक्स कॉस एक्स साइन टू एक्स के भी टर्म में लिख सकते हो। साइन एक्स को टी मान लीजिए तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा टी डी टी, टी डी टी का हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू, हो जाएगा वाई इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस सी। साइन एक्स का डिवाइड कर दो, वाई बराबर हो जाएगा साइन एक्स अपॉन टू प्लस सी अपॉन साइन एक्स, जहां सी क्या है एक आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है यानी स्वेच्छा। देखिए प्यारे विद्यार्थी इसमें भी देखिए वाई की पावर वन है, देखिए दिखेगा आपको वाई की पावर वन और बाकी देखो एक्स के फलन में। तो आप x cos x का डिवाइड करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ y प्लस x sin x प्लस cos x अपॉन x cos x इंटू y इक्वल टू वन अपॉन x cos x, ठीक। चाहे तो इसको अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग करना चाहते हो x sin x अपॉन x cos x है तो tan x हो जाएगा, cos x बटे x cos x है तो वन अपॉन x हो जाएगा। अब आप कंपेयर करेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई, एक ही तरीके क्वेश्चन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पी की वैल्यू हो गई टेन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, क्यू की वैल्यू हो गई वन अपॉन एक्स का सिक्स, ठीक। अब आपको आई एफ निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो हो जाएगा ई की पावर पी डी एक्स, पी की वैल्यू क्या है टेन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, तो हो जाएगी ई की पावर टेन एक्स का क्या हो जाएगा बोलो लॉग सिग एक्स प्लस लॉग एक्स, हो जाएगी ई की पावर लॉग एक्स सिग एक्स, ई की पावर लॉग एक्स सिग एक्स बेसी है तो इसका हो जाएगा एक्स सिग एक्स। आई एफ हो गया एक्स सिग एक्स, क्या होता है फार्मूला इसका वाई इंटू आई एफ क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो वाई इंटू एक्स सेक एक्स, क्यू का मान बोलो वन अपॉन एक्स का सेक्स इंटू एक्स सेक एक्स डी एक्स प्लस सी, एक्स एक्स कैंसिल कॉस ऊपर गया क्या हो जाएगा सेक एक्स, ये हो जाएगा सिग स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी, एक्स वाई सिग एक्स टेन एक्स प्लस सी। चाहे आप डिवाइड कर दीजिए एक्स सिग एक्स का इस तरीके से, क्वेश्चन क्या आ जाएगा वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन एक्स अपान एक्स सिग एक्स प्लस सी अपान एक्स सिग एक्स, टेन अपान साइन क्या होता है टेन अपान सिग एक्स साइन एक्स, क्यों तो साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस सी कॉस एक्स अपॉन एक्स। फोर डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस एट वाई इक्वल टू फाइव ई की पावर माइनस थ्री एक्स। देखिए इसी टाइप के सब क्वेश्चन है, ज्यादातर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हो जाएगा। फोर का डिवाइड कर देंगे डी डी एक्स ऑफ वाई, यहां हो जाएगा टू वाई और यहां हो जाएगा फाइव बाई फोर ई की पावर माइनस थ्री एक्स। अब इसका कंपेयर करेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, पी की वैल्यू आ गई टू, मैंने कहा था कि या तो एक्स के फलन होंगे या तो कांस्टेंट होगा, यहां तक कांस्टेंट है। क्यू का मान फाइव पी बाई फोर ई की पावर माइनस थ्री एक्स, ठीक। अब सबसे पहले आई एफ निकालेंगे, आई एफ क्या होगा ई की पावर पी डी एक्स, ई की पावर टू डी एक्स, ई की पावर टू एक्स हो गया, ठीक e की पावर टू एक्स हो गए। अब हम क्या निकालेंगे तो जनरल सोल्यूशन के लिए क्या होता है फार्मूला वाई इंटू आई एफ क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो वाई इंटू आई एफ क्या है e की पावर टू एक्स, क्यू क्या है फाइव बाई फोर e की पावर माइनस थ्री एक्स इंटू e की पावर टू एक्स डी एक्स प्लस सी, तो हो जाएगा फाइव बाई फोर ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स।
तो हो जाएगा माइनस फाइव बाई फोर ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। अब बच्चों ई की पावर टू एक्स का डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, वाई इक्वल टू माइनस फाइव बाई फोर ई की पावर माइनस एक्स बटे ई की पावर टू एक्स प्लस सी अपान ई की पावर टू एक्स, माइनस फाइव बाई फोर ई की पावर माइनस थ्री एक्स प्लस सी ई की पावर माइनस टू एक्स। आपका ये हो गया जनरल सोल्यूशन।